हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैग। तो देखिए, जिसके लिए मैंने ये स्ट्रिप कट की है और ये मैंने जींस में से स्ट्रिप कट की है और ये मेरा वैसे ही कपड़ा है, नॉर्मल है। अब देखिए, मैंने इनकी मेजरमेंट क्या रखी है। इसकी लंबाई रखी है मैंने 9.5 इंच और यहाँ से 3.5 इंच। दोनों की लंबाई हमें सेम रखनी है, लंबाई चौड़ाई। अब देखिए, इस तरीके से हमें इनको सिलना है। पहले हम जींस लेंगे, जो जींस में स्ट्रिप कट की है जिसको, फिर इसको और फिर इसको इसी तरीके से हमें ये सिल लेनी है। इसके ऊपर इस कपड़े को इस तरीके से अटैच कर ली है और इसको रखेंगे। एक जींस वाला ये इसको फिर से हम कपड़े वाली स्ट्रिप लेंगे। मैंने इनको सिलकर कंप्लीट कर लिया है और जो हमारे नीचे से ये थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेंगे। इस तरीके से उसके बाद देखिए, हमें जो हमारे ये वाला कपड़ा है इसके बीच सेंटर में हमको निशान लगाना है। इस तरीके से बिल्कुल बीच में और सब पे ऐसे ही निशान लगाएंगे। सेंटर में इस तरीके से। अब हम इस साइड से इस कपड़े को उठाएंगे और इस बीच सेंटर पे इस तरीके से ले जाएंगे और इधर से उठाएंगे और इधर से इस तरीके से इन पर सिलाई लगा लेनी है। इसको उठाएंगे, फिर यहाँ पे इसको उठाएंगे, फिर यहाँ पे इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इसको यहाँ से उठाएंगे और बिल्कुल बीच में रखना है जहाँ पे हमने निशान लगाया था। और यहाँ पे रोक देना है, इसको उठाएंगे और फिर से वहीं पे ले जाएंगे। पूरे पे सिलाई नहीं लगानी है। अब इसको उठाएंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे।
उठाएंगे और इस तरीके से इसके लिए साइड मैंने सिलाई लगा ली है और हम नीचे की तरफ इसका सेंटर करेंगे सभी में इस तरीके से। अब इस सेंटर से हाफ इंच पे निशान लगाएंगे इधर भी और इधर भी दोनों साइड इस तरीके से। हम यहाँ पे तीन मार्क करने हैं इस तरीके से, फिर पहले सेंटर किया और फिर हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर। अब इसको इस तरीके से करना है और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और फिर इसे इधर साइड से उठाना है और यहाँ पे एकदम बराबर करके सबको सिलाई लगा लेंगे और सभी में हमें ऐसा ही करना है। यहाँ पे ये निशान लगा लिए हैं सभी में। आप इस कपड़े को इस तरीके से करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, आप इस साइड से भी तरीके से। ये अंदर वाला कपड़ा हमारा एकदम बराबर होना चाहिए। सिलाई लगा कर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और इसे एक इस तरीके से गोल शेप देंगे, इसको कट कर लेना है। अब ऊपर की साइड से देखिए ऊपर की साइड से इस तरीके से तिरछा निशान लगा। देखिए ये मैंने निशान लगाए हैं और इसको इसी तरीके से कट करना है। नीचे को नीचे साइड पे तिरछा कट करना है हमें यहाँ से। यहाँ से हम इसे गोल शेप देंगे तरीके से
और इसी तरीके से हमें दूसरा फिश बनाकर तैयार कर लेना है। बनाकर तैयार कर लिए हैं, अब हम ये ईद का टुकड़ा लेंगे और उसको यहाँ से कट कर लेना है। देखिए जिसकी चौड़ाई है वो हम 2x2 इंच रखेंगे और इसकी लंबाई हम इसके बराबर रखेंगे। ये 12 इंच है तो हम इसकी लंबाई 12 इंच रखेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। को बराबर रखना है, देखिए इसको रखेंगे हम ऊपर की साइड से इस तरीके से, इस पर सिलाई लगा लेंगे दोनों ही पार्ट में। ये हमारे आगे का पार्ट है, ये पीछे का, और दोनों में ही इसको सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमें जींस में से इस तरह की 2 स्ट्रिप कट करनी है और फिर हम इसको इस तरह से और इस तरह से मोड़ के इस पर और सिलाई लगाकर हमें अपनी ऐसी 2 स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। स्ट्रिप लगाकर कंप्लीट कर ली है। अब ये मेरी, हम इसमें अस्तर लगाएंगे नीचे, ये मेरे बैग में लगाने वाला अस्तर लिया हुआ है यहाँ पे, और जिसको मैंने इसी के बराबर कट किया है और एक साइड पे मैंने ये पॉकेट भी लगाया है। अब हम इसको लगाएंगे, सीधी साइड से रखेंगे और इसके ऊपर हम इस अस्तर को उल्टी साइड से और बीच में उल्टी साइड से जिप को रखेंगे। और इन तीनों पर सिलाई लगाएंगे। तैयार कर ली है और इसके इस साइड भी सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड को भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए मेरा ही बैग बनकर कंप्लीट हो गया है। मैंने इस पे दोनों साइड पे सिलाई लगा ली थी और देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।